हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्निग्धा प्रियदर्शिनी दास। आज मैं विभूति पटनायक सार के प्रेमिका नॉवेल के पार्ट 3 कहने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ अब सबको पसंद आएगा। अब शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होने को बस कुछ समय बाकी था। तुमको याद करते हुए, तुम्हारे इंतजार करते हुए काफ़ी समय बीत चुका था। मोहब्बत का मतलब ही इंतज़ार होता है। बहुत इंतज़ार के बाद भी तुम अभी तक नहीं आए। हाथ में 2 टिकट पकड़कर बालकोनी के ऊपर मैं तुम्हारी राह देख रहा था। तुम घबराते हुए रिक्शा से उतरकर इधर उधर देखकर मेरे पास आई, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तुम अभी तक नहीं आई, फिल्म बस शुरू होने वाली है, पर मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आखिर में तुम आई, तुम्हारी रिक्शा दिखाई दिया और तुम नीले रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। हवा में तुम्हारी साड़ी के पल्लू उड़ रहे थे और तुम उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, एकदम परी जैसी। मुझे सिनेमा हॉल की बालकोनी में देखकर तुम धीरे से मुस्कुराई। तुमको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तुम्हारी प्यारी सी मुस्कुराहट, तुम्हारी सादगी से मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। उसके बाद हम दोनों सिनेमा हॉल के अंदर गए। सब लोग फिल्म देखने में बिजी थे। हम दोनों 2 सीट लिए और साथ में बैठे। फिल्म का क्या नाम था? हाँ, जीवन साथी। जीवन साथी देखते वक्त मैं तुम्हारे चेहरे को बड़े प्यार से देख रहा था। तुम्हारी सादगी से मेरे दिल को इतना सुकून मिल रहा था कि मैं मुस्कुराए जा रहा था। मेरी मुस्कुराहट थम ही नहीं रही थी। उसके बाद मैंने तुम्हें देखा। हम दोनों की नज़रों में खो गए हैं। ये बात हमें खबर नहीं थी। लोग फिल्म देखने में बिजी थे, पर हम दोनों एक दूसरे में खो गए थे। पहली बार हम दोनों इतने करीब बैठे थे तो हमारे दिल की धड़कन जोरों जोरों से धड़क रही थी। एक नदी में बह रहे थे हम दोनों, प्यार की नदी में। इंटरवल के बाद मेरे हाथ के ऊपर तुम्हारी हाथ रखा हुआ था। ये एहसास मौत जैसी कितनी शीतल है। तुम्हारी नर्म हाथ मेरे हाथ को बहुत सुकून दे रहा था। मैं पहली बार ऐसा महसूस किया कि तुम ही मेरी जीवन साथी हो। जीवन साथी की फिल्म देखते वक्त मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे मिल गई हो और मुझे क्या चाहिए। मैं भी तुम्हारे हाथ की गर्मी महसूस कर रहा था। तुम मेरी हाथों को लेकर अपने चेहरे के ऊपर रख ली। तुम उस दिन मुझे अपने आप को दे दी थी और मैं भी तुम्हें अपनी दिल दे बैठा था। उस दिन हम दोनों प्यार के संगीत गा रहे थे और जीवन साथी फिल्म देखते वक्त एक दूसरे को अपने जीवन साथी समझ रहे थे। ये स्टोरी विभूति पटनायक सर की प्रेमिका नॉवेल की है। ये एकदम से बहुत ही प्यारी सी नॉवेल है, पर मैं सब वार को ट्रांसलेट नहीं करती हूँ, कुछ अपनी भावनाएं भी डालती हूँ, क्योंकि हर वार तो ट्रांसलेट नहीं हो सकता, इसलिए मुझे अपनी शब्द इसमें डालना पड़ता है। अगर आप लोगों को किसी भी जगह कुछ भी गलत लगे तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मुझे बताने से मैं उसको सुधारूंगी और कोशिश करूंगी कि आगे वो गलती ना हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मेरी YouTube चैनल सेल्फ म्यूजिक को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आगे कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। तो फिर मैं चलती हूँ। टेक केयर, बाय।